अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के ऐलान के बावजूद यूक्रेन को घातक M1 एब्रम्स टैंकों के लिए लंबा इंतजार करना होगा। एक दिन पहले ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की मदद के लिए उसे अपने M1 एब्रम्स टैंक देगा, लेकिन बाइडेन के ऐलान के ठीक बाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि वो अभी उन टैंकों की डिलीवरी करने की हालत में नहीं है। इसका मतलब यह है कि रूस की ताकतवर सेना से निपटने के लिए जेलेंस्की को अमेरिका से जिस घातक हथियार की उम्मीद थी वो अभी यूक्रेन को नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने वजह बताई कि उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में M1 एब्रम्स टैंकों की खेप मौजूद नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका अपने वादे के तहत यूक्रेन को इन टैंकों की डिलीवरी कब तक कर पाएगा। यानी मतलब साफ है कि अमेरिका के ताकतवर टैंक के लिए यूक्रेन का इंतजार जल्द खत्म नहीं होने वाला, और अगर कुछ महीनों बाद यूक्रेन को ये टैंक मिल भी गए तो वो उनको तुरंत जंग के मैदान में नहीं उतार पाएगा। असल में अमेरिका को चिंता है कि यूक्रेन के सैनिक उसके M1 एब्रम्स टैंकों की ठीक से देखभाल कर पाएंगे या नहीं, इसलिए अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया कि M1 एब्रम्स टैंकों को ऑपरेट करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए यूक्रेन के सैनिकों को लंबी ट्रेनिंग देनी होगी। साथ ही अमेरिका को अपने टैंकों के रखरखाव की भी चिंता है, इसलिए वो चाहता है कि यूक्रेन को जब कभी इन टैंकों की खेप भेजी जाए तो युद्ध में उतारने से पहले जेलेंस्की की फौज को रखरखाव की ट्रेनिंग भी दी जाए। हालांकि यूक्रेन लंबे वक्त से इन टैंकों की मांग कर रहा था और बाइडेन के ऐलान के बाद उसे लगा था कि अब उसकी मुराद पूरी हो गई, लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग ने फिलहाल उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूक्रेन की उम्मीदों को बड़ा झटका देने का काम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया, और उन्होंने बाइडेन के यूक्रेन को M1 एब्रम्स टैंक देने के फैसले को आत्मघाती कदम बता दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने घातक टैंक दिए तो फिर परमाणु युद्ध तय है। असल में यूक्रेन को कई देशों ने टैंक देने का वादा किया है, इनमें अमेरिका उसे M1 एब्रम्स टैंक देने का ऐलान कर चुका है, जर्मनी भी अपने घातक लेपर्ड 2 टैंक भेजने का वादा कर चुका है, और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक भी यूक्रेन को मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये सभी टैंक यूक्रेन की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इतना ही नहीं, इन हथियारों की बदौलत जेलेंस्की की फौज पुतिन की सेना को घुटने पर भी ला सकती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को सचेत किया कि यूक्रेन को टैंक भेजने का फैसला रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए भड़का सकता है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने अमेरिका के एब्रम्स टैंक को तबाह करने का ब्लूप्रिंट अपने सैनिकों को सौंप दिया। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए इन्हें जंग में उतारने का फैसला लिया था, जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, और दावा है कि इनसे निपटने की तैयारी रूस ने पहले से ही कर रखी है। रूसी सैनिकों को एक तस्वीर के जरिए इस महाशक्तिशाली टैंक की कमजोर कड़ियों के बारे में बताया गया। जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों को ये सलाह दी गई कि सबसे पहले एब्रम्स टैंकों की ईंधन भरने वाली जगह पर हमला बोलें ताकि टैंक जलकर राख हो जाए। वहीं उन्हें लैंडमाइन के इस्तेमाल के साथ ही सीधे हमला कर टैंकों को बर्बाद करने का तरीका भी सिखाया गया। इधर अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गई, और सेमीफाइनल में भारत की अंडर-19 महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 107 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने ये लक्ष्य 14 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब भारत की महिला टीम 29 जनवरी को फाइनल मैच खेलेगी। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सूट।